बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस के साथ सीखेंगे पहला वर्ड इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वो है altercation ये नाउन है और इसका मतलब होता है noisy, heated, angry dispute किसी के साथ difference of opinion होना या disagreement होना और उसके ऊपर बहस होना उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है An often noisy or angry expression of differing opinions, जैसे he got into several altercations with his boss. A youth became involved in an altercation with a police officer over a parking ticket. इसके से हैं कॉन्ट्रोवर्सी क्रॉस फायर डिसग्रीमेंट या फिर डिस्प्यूट और उर्दू में इसको कहते हैं लड़ाई झगड़ा या फिर बहस मुबाजा सेकेंड वर्ड है विलिफिकेशन ये नाउन है और इसका मतलब होता है किसी के बारे में इस तरह की बातों का इजहार करना जिससे उसकी रेपूटेशन ख़राब हो द एक्ट ऑफ सेंग और राइटिंग अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग सो दैट अदर पर्सन विल है लो ओपिनियन ऑफ देम जैसे दिलिफिकेशन ऑफ सिंगल मदर्स बाय राइट विंग पॉलिटिशंस इसके सिनोनिम्स होते हैं कैरेक्टर असासीनेशन या फिर डेफेमे जलील रसवाई या फिर बदनामी ये इसको उर्दू में कहते हैं थर्ड वर्ड जो हम सीख रहे हैं इस वीडियो में वो है प्रमेंट ये नाउन है और इसका मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्टचुएशन होना ए डिफ़िकल्ट और अनशन स्पेशली दिन वेयर इट इज डिफिकल्ट नो वॉट टू डू या फिर ए डिफ़िकल्टजलिंग और एम्बेसिंग सिचुएशन फ्राम विच देर इज़ नो ईजी एस्केप जैसे अभी पाकिस्तान कर्जों के जाल में फंसा हुआ है तो उसके लिए हम कह सकते हैं एक प्रोडिकमेंट है आपका टास्क यह है कि आपने इस वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और कॉमेंट्स में इसका सेंटेंस बना कर लिखना है अब इसका सेंटेंस देखते हैं आई एम इनबल प्रोडिकमेंट इसका सोना है क्वान्रे और नाखुशगवार परेशान कन या फिर ख़तरनाक सूरत हाल के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोजनेरियन ऑक्टोजनेरियन नाउन है और ऑक्टोजनेरियन का मतलब होता है कोई शख्स जो एटीज़ में हो जैसे ऑक्टो होता है जैसे ऑक्टागॉन होती है तो वो एट कॉर्नर्ड रिंग होता है तो ये ऑक्टो का मतलब एट है तो जो शख्स बिटवीन होगा एटीज़ एंड एटी नाइन ईयर्स ओल्ड उसको कहेंगे कि ये ऑक्टोजनेर है जैसे साठ से लव्स निकला है सठे आ गया इसी तरह एट से जिसको ऑक्टो भी कहते हैं उससे ऑक्टोजनेरन निकला है तो कोई भी शख्स जो एट्टीज़ में होगा उसको कहेंगे ये ऑक्टोजनेरन है द ऑक्टोजनेरन यूज़ इकेन फॉर वॉकिंग इसका सिनोनम एल्डरली हो सकता है अस्सी साल का शख्स या अस्सी साल का आदमी ये इसका उर्दू मीनिंग है लास्ट वर्ड है बेगाल ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को इस तरह से ट्रिक करना कि वो आपका काम कर दे टू ट्रिक समबडी इन टू डूइंग समथिंग स्पेशली बाय बीइंग नाइस टू देम या फिर टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबडी जैसे ही वाज बेगा बाय हर ब्यूटी और शी ब गैम इन टू बिलीविंग हर वर्जन ऑफ इवेंट्स इसके सम्स होते हैंटाइज धोखा देना या फिर गुमराह करना इसको उर्दू में कहते हैं ये थी आज की वैकेबलरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग